मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा, हमारे बाद की किसी भी पीढ़ी को शायद ही इतना बदलाव देख पाना संभव हो। कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे वो इस बदलाव को देखकर इससे डेफिनेटली कोरिलेट कर पाएंगे। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है, और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डाल कर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने चांदनी रात, डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवेल पढ़ी है। हम वही पीढ़ी है जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों का इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजार दिया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले, नीले या लाल किए हैं, तख्ती पर स्लेटों की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर से दोबारा मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवस शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिब्बिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूट पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुनी है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे, एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए बहुत हुआ करता था, सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीट बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया, चादर अब नहीं बिछा करती, डब्बों जैसा कमरे में कूलर एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरवती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं, और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, बाप,
बेटा, भाई, बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करे, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपनी ही नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना चार कंधे के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी। विचार कीजिएगा, जिन्होंने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो इसे बड़े करीब से महसूस करेंगे, खास उन लोगों के लिए, क्योंकि हम आखिरी पीढ़ी है। शायद ये कहानी हमारे बाद वाली पीढ़ी कभी दोहरा नहीं सकती, क्योंकि वो इतना कुछ नहीं देख रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत अच्छी हो और वो सब में अच्छी हो। शिक्षा उस तरह की देनी पड़ेगी हमें, कुछ बातें पुरानी लेकिन नए अंदाज में, और पुरानी बातें कभी बेकाम की नहीं होती, उन्हें वापस जगाया जा सकता है। थोड़ी कोशिश करनी होगी, यही बातें हमें उन तक पहुंचानी होगी जो अगली पीढ़ी में है, जिन्हें हम जनरेशन जी कहते हैं, मिलेनियल्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं वो भी ये पढ़ेंगे और वैल्यूज या नैतिकता की परिभाषा अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।